नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों के चयन का रास्ता साफ। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों के पद की बड़ी संख्या में खाली पद हैं। निदेशक ने ऐसे 26 कॉलेजों में चयन करने का आदेश दिया था, लेकिन वर्ष 2019 में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर से इस वैकेंसी के लिए झंडी मिल गई है, हरी झंडी, जिससे कि कार्यक्रम जारी हो जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आज जो है युवा मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश समस्त योग्य प्रशिक्षित युवा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए मनाएंगे बेरोजगारी दिवस। अब आप जानते हैं कि तमाम ऐसे शैक्षिक और पढ़े लिखे अच्छे जो है युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से सिविल लाइंस में धरना चल रहा है। आज भी देखिए, आह्वान किया गया है युवा मंच के द्वारा, आधी तूफान बरसात चाहे जैसे रहे मौसम, लेकिन कल युवा मनाएंगे बेरोजगार दिवस 17 सितंबर 12 बजे पत्थर गिरजाघर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी पहुँचे। ये निवेदन जो है युवा मंच की तरफ से किया गया है और पत्थर गिरजाघर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो कि शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज 12 बजे तक पत्थर गिरजाघर पहुँचें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, UPSC प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी, 26 को होगी परीक्षा। 124 पदों के लिए पहली बार होगी लिखित परीक्षा। प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए हैं केंद्र, 42,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो आप सभी के लिए यह एक अच्छी सूचना है कि 26 तारीख आश्रम पद्धति पर आधारित जो परीक्षा होनी है उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बायोलॉजी का जो सेंटर है वो लखनऊ बनाया गया है और विज्ञान जो है और गणित जो है उसका सेंटर यहीं आपके प्रयागराज में बनाया गया है। कुल 2 सेंटर बने हैं। एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी के 2 के 46 ENT चयनित, परिणाम जारी, आयोग को 29 पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। तो यह एक अच्छी खबर होगी, एलोपैथिक विभाग से 46 ENT चयनित अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से चयन के बाद अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज व कल शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। जौनपुर में 4, बलिया आजमगढ़ में 1-1 समेत प्रदेश भर में कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तो स्थिति काफ़ी बुरी हो गई है। लगातार बारिश और जल भराव की वजह से जो गलियाँ हैं और तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ की आवागमन एकदम बाधित हो गया है। बिजली की भी कड़क और उससे भी डर बना हुआ है। 1-2 जगह बिजली भी गिरने की सूचनाएं आप प्राप्त हो रही हैं। तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यह सूचना दी जाती है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फिलहाल 1-2 दिन की जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। इसी में जो GIC अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षाएं भी हैं, वह सुरक्षित अपने सेंटर पर समय से निकलें और ताकि परीक्षा सेंटर पर भी पहुंचने में उनको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा सेंटर में पहुंचने में समस्याएं आ सकती हैं, वहां भी जल भराव आदि की समस्या देखने को मिल सकती है। आप देख पा रहे हैं कैसे गलियों में इस तरह से पानी भर गया है जगह जगह, जिससे कि समस्या बढ़ गई है। तो यही सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से थी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।